are happy and healthy. So in today's video, I'm going to start a new chapter. That is chapter number 9, Natural Disaster of Class 5. As the name suggests, ki chapter ka jo naam hai, wahi bata raha hai, natural disaster. It means, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके आपके अर्थ पे हमारे प्लैनेट पे इतनी सारी नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं. वैसे तो अर्थक्वेक्स है, वोल्केनिक इरप्शन. आपको एक बात पता है, सुनामी आई थी जापान में 2011. आई होप यू गाइज नो कि उसमें कितना सारा लाइफ का डैमेज हुआ था, प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ था. इन 2011 मार्च जापान सुनामी. और वो क्यों, ऐसे तो हमारा अर्थ प्लैनेट जो है बहुत पीसफुल प्लैनेट है ना, हम कितने आराम से इसमें सर्वाइव करते हैं, हमारी सारी हैबिटेट पूरे होते हैं. लेकिन कभी कभी कुछ नेचुरल कैलामिटीज आ जाती हैं, जिसकी वजह से लाइफ का और ह्यूमन लाइफ का और प्रॉपर्टी का इतना लॉस होता है. तो ऐसा होता क्यों है, हमारा अर्थ इतना पीसफुल प्लैनेट, व्हाई डज इट हैपन, क्यों आता है अर्थक्वेक, क्यों होते हैं वोल्केनिक इरप्शन. इन सारे क्वेश्चन के आंसर हमें मिलेंगे इस चैप्टर में. हम वन बाय वन समझेंगे कि अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं और हम उसे कैसे उसमें प्रिकॉशंस ले सकते हैं. सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल डिजास्टर. सो दिस इज वन फॉर यू. इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, डू सब्सक्राइब इट टू लर्न साइंस विद फरहत मैम, योर साइंस टीचर ऑन दिस चैनल. सो लेट नो डेफिनेशन क्या होती है नेचुरल डिजास्टर की. एज आई हैव रिटन ओवर हियर, कैलामिटीज अकर naturally that may cause damage to human life and property. वो calamities जो nature की तरफ से अकर होती है, okay, और क्या करती है, they cause damage to human life and property. I hope इसको हम लोगों ने, scientists ने, हम लोगों ने जितनी भी natural calamities है उनको 3 parts में divide किया. The first is volcano and second is earthquake, then tsunami. I must tell you कि वोल्केनोस कैसे इरप्ट होते हैं. आखिर वोल्केनो के अंदर मैंने यहां लिखा है मैग्मा कम्स आउट ऑफ द अर्थ. आई मीन हाउ इज इट पॉसिबल, अर्थ में मैग्मा कहां से आया, वेर इट कम्स फ्रॉम, और अर्थ में जो मैग्मा है फिर वो वापस बाहर क्यों आ रहा है. इन सब के आंसर इन अपकमिंग वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगी. नेक्स्ट है अर्थक्वेक, दैट इज सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लैनेट, सॉरी अर्थ प्लेट्स. तो ये अर्थक्वेक में क्या होता है कि अर्थ के नीचे जो प्लेट्स है वो मूवमेंट करने लगती है. अब अर्थ के नीचे कौन सी प्लेट्स हैं और वो क्यों मूवमेंट करती हैं, तो सबके आंसर्स नेक्स्ट वीडियोस में. नेक्स्ट है सुनामी. सुनामी को हम कभी कभी टाइडल वेव्स भी बोलते हैं. यू नो व्हाट टाइडल वेव्स आर, टाइडल वेव्स होती है जैसे कि आप सी शोर पे जाओ या ओशन के पास तो आपको बहुत हाई टाइड्स दिखती है, राइट. वो हाई टाइड क्या होती है, जब वो ज्यादा हाई हो जाती है तो वो कॉज करती है सुनामी. पर वो क्यों हो जाती है इतनी हाई, क्यों इतना ज्यादा तेज पानी ऊपर जाता है, व्हाई इट हैपेंस. सो सेम आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो. अच्छा आई होप यू अंडरस्टैंड. इसमें से इतना समझ लीजिए कि नेचुरल डिजास्टर क्या होता है और 3 टाइप का डिवाइड किया हुआ है. तीनों टाइप में आपको छोटा सा मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है. इन द नेक्स्ट कमिंग अपकमिंग वीडियोस आई विल एक्सप्लेन यू कंप्लीटली कि आखिर ये सब चीजें क्यों होती है और इससे क्या क्या डैमेज होता है. ओके आई होप यू अंडरस्टैंड द होल टॉपिक एंड इफ यू लाइक इट गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस. टिल देन टेक केयर.